हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन व्लॉगर उषा। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ भी होंगे अपने घरों में। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं 10:30 और मैं बना रही हूँ चाय 10:30 बजे। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने चाय इतनी लेट क्यों बनाई है। तो एक्चुअली चाय हमने बनाई थी सुबह 5:30 बजे। एक्चुअली मेरे नेफ्यू आए हुए थे तो वो उनको कहीं जाना था तो वो चले गए, तो 5:30 बजे भी चाय बनाई थी। लेकिन अभी 10:30 बजे फिर मतलब उठी हूँ मैं सो के 10 बजे, तो फिर मन कर गया चाय पीने का, तो इसलिए दोबारा से चाय बना रही हूँ। और आज जो है 10:30 बजे चाय इसलिए और बन रही है, मतलब लेट उठी मैं इसलिए हूँ क्योंकि अभी जो है हस्बैंड को आज जाना नहीं है, उनका ऑफ है, तो इस वजह से सारे काम जो है लेट लेट होंगे आज। तो चाय में दूध डाल दिया मैंने और चाय बन जाए। तो गाइस, चाय बन चुकी है, अब चलती हूँ मैं अपनी चाय का थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ एंड देन उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। अभी एक वीडियो को लगा दिया है अपलोड होने के लिए, तो वो वीडियो मेरी अपलोड हो रही है, तो जब तक वो अपलोड हो जाती है तो मैं थोड़ा चाय वगैरह पी लेती हूँ एंड देन फिर दूसरी वीडियो को मतलब अब जो है वीडियो की क्या बोलते हैं उसको मतलब नेक्स्ट व्लॉग अपना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब स्टार्ट कर दिया है तो अब इसको कंटिन्यू करूँगी। तो गाइज़, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सामान जो पॉलीथीन में है, ये एक्चुअली हमारा स्टॉक है और ये स्टॉक नीचे रखा हुआ था, मतलब कि कुछ कस्टमर आए हुए थे तो उनको ये हमें देना था, मतलब इसके अंदर जीन्स और शर्ट वगैरह है, तो वो लेकर लेके चले। काफ़ी टाइम हो गया इसको, मेरे ख्याल से एक महीना हो चुका है जब से स्टॉक नीचे रखा हुआ था और इसको ऊपर नहीं रखा जा रहा था, क्योंकि ये था ना कि बीच में एक दो लोग आने वाले थे, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि ऊपर रख दूंगा फिर उतारने में दिक्कत होती है, तो इसी वजह से नीचे रखा हुआ था। तो उसके बाद अभी इसको हम ऊपर रख रहे हैं और बहुत भारी था ये स्टॉक, बट मैंने भी इसको उठाया है, काफ़ी हैवी हो रहे थे और फिर सारे स्टॉक ऊपर चढ़ा दिए हैं, रख दिए हैं और काफ़ी सामान इसकी वजह से फैल रहा था और सफाई भी जो है हो नहीं पा रही थी। अभी हो रहे हैं दोपहर के 11:30 और 11:30 बजे मैं जो है अपना लंच बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है हस्बैंड जॉब पे नहीं गए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा लेट लंच स्टार्ट किया है बनाना। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज कट किए हैं, 2 टमाटर है और 7-8 के करीब यहाँ पर हरी मिर्च होंगी, तो इनको मैंने अलग अलग डिफरेंट तरीके से कट कर लिया है। और यहाँ पर है थोड़ा सा पनीर, तो पनीर की भुर्जी बनेगी और इसके अंदर मैं भुर्जी भी बनाऊँगी और मैं जो है फ्राई मतलब कि राइस थोड़े बच गए थे तो उनको मैं फ्राई भी करूँगी। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, तो जीरा भी तड़क रहा है, तो इसके अंदर जो रखा हुआ मैंने रखा था प्याज, तो प्याज भी अब ऐड कर देंगे। तो गाइस, प्याज जो है अच्छे से भून चुका है, तो अभी प्याज के अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च जो कटी हुई थी, तो हरी मिर्च को भी हल्का सा हमने ब्राउन करना है और ब्राउन करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो पहले हरी मिर्च को थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। तो गाइस, अभी हरी मिर्च भून चुकी है अच्छे से, तो अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और टमाटर को 5-7 मिनट के लिए सोटे करेंगे एंड देन इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले। तो मसालों में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी, हल्दी मैं इसमें चुटकी भर ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं या तीखा पसंद करते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर, चुटकी भरी धनिया पाउडर और चुटकी भर इसमें गर्म मसाला। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद इनको मिक्स कर देंगे और हाँ, नमक इसमें स्वाद अनुसार मैंने ऐड किया है, तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा नमक। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, 5-7 मिनट के लिए इनको ढक के पकाएंगे हम। तो अभी मसाले सारे मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, तो अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और देन 5-7 मिनट के लिए मैं इनको
पकाऊंगी और उसके बाद जो पनीर मैंने रखा हुआ है उसको फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो अब इसको ढक के पकाते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक टमाटर भी अच्छे से गल जाए और मसाले भी पक जाए। तो अब ये जो पनीर है ना, इसको हम ग्रेट कर लेंगे या फिर हम इसको ऐसा करके मैश कर लेंगे। मैंने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लिया, तो अब मैं इनको अच्छे से मैश कर दूंगी। ज़्यादा मैश भी नहीं करना है, हल्का हल्का सा करना है, जिससे कि ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी चीज़ वाली भुर्जी बन जाए। तो इतना ही बस मैंने इसको मैश करना है, एंड देन मैं अब उस मसाले के अंदर इसको ऐड कर दूँगी। तो गाइस अभी देख सकते हैं कि मसाला भी पक चुका है और जो टमाटर है अच्छे से गल गए हैं, सारी सब्जियां मतलब जो मैंने डाली है गल चुकी हैं अच्छे से। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने मैश किया हुआ था पनीर को उसको, और अब इसको हल्के हाथों से ही हमने भूनना है और मिक्स करना है मसालों के अंदर, और इसको भी 5-7 मिनट के लिए फिर ढक के पकाएंगे। तो मेरी जो पनीर की भुर्जी है वो बन के रेडी हो गई है, बन चुकी है अच्छी तरह से, देख सकते हैं आप। और अब मैं इसको क्या करूँगी, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसी बर्तन में यानी कि इसी कढ़ाई में मैं अब बनाऊँगी मेरे फ्राइड राइस। तो सिंपल फ्राइड राइस है, कुछ ज़्यादा मैं इसमें वेजिटेबल यूज़ नहीं करूँगी। मेरी यम्मी यम्मी पनीर की भुर्जी बन के रेडी हो गई है, तो अब हम राइस को फ्राइड करते हैं। तो गाइस दोबारा से अब मैंने उसी कढ़ाई को इस्तेमाल किया है, मैंने पनीर की भुर्जी को निकाल दिया था तो थोड़ा सा ऑयल बच गया है इसके अंदर, तो सेम उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर दिया है। एंड उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जीरा, और जीरे को थोड़ा सा हमें भून लेना है अच्छी तरह से। और भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कटा हुआ जो प्याज रखा है उसको। तो प्याज मेरा यहाँ पे हल्का भून गया है, तो फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपना वही कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। तो मैं उनको ऐड करके अच्छी तरह से मतलब उसको ज़्यादा हमें इसको भूनना नहीं है, हल्का ही पकाना है। इस प्याज को भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर और कटा हुआ हरा मिर्च, जो मैंने दो तरीके से हरी मिर्च काटी थी ना, तो वो मैंने राइस के लिए काटी थी। तो अब उसको भी भून लिया अच्छे से। तो अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं हल्का सा नमक और चुटकी भर में लाल मिर्च। डालने के बाद थोड़ा सा हमें इसे 5 मिनट के लिए ही भूनना है, जैसे कि टमाटर थोड़े से गल जाए। तो फिर उसके बाद जो चावल बचे हुए थे मेरे पास, तो उन चावलों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इनको अच्छे से मिक्स करना है, और नमक अपने स्वाद के अनुसार मैंने डाल रखा है इसमें। तो इनको अच्छे से फिर मिक्स कर दूँगी मैं, और ध्यान रहे कि चावल टूटे ना। तो बहुत हल्के हाथों से मैं इनको मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर, और मिक्स होने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए फिर धीमी आँच पर इसको मैं ढक के पकाऊँगी, जिससे कि जो मसालों का और जो टमाटर का फ्लेवर है वो अच्छे से मतलब कि जो राइस है उसमें चला जाए। तो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद फिर से मैंने चेक किया है तो राइस अच्छे से भून चुके हैं, और अब इनको दोबारा से एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और फिर मैं इनको दोबारा से ढक के रख दूँगी। और इसको आप गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो बहुत ही यम्मी लगेंगे। बट अब बनाना है मुझे नींबू पानी, तो चल के मैं नींबू पानी बनाती हूँ, और फिर अभी हमें लंच करना है, तो फिर लंच करके फिर और जो कोई काम है वो ख़त्म करते हैं। तो चलते हैं लंच को एंजॉय करते हैं। ये हो गया हमारा लंच रेडी, ये है नींबू पानी यानी कि शिकंजी बनाया मैंने, और रोटी, और ये पनीर की भुर्जी बनी है, और ये चावल जो फ्राइड किए थे वो हैं। तो अब करते हैं हमारे लंच को एंजॉय और फिर मिलते हैं आपसे लंच के बाद। हो रही है गली में शादी, तो बहुत दिनों के बाद कहीं कोई बैंड बाजा जो है बज रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। शाम का मौसम हो गया बहुत ही प्यारा, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, तो पता नहीं एकदम से मौसम चेंज हो गया, बट बहुत अच्छा ठंडा हो गया है मौसम। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, साथ ही लगे इसके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।